नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। आज फिर से आपसे बात करने आई हूँ मैं, मतलब मेरे कल्चर के बारे में बात करने आई हूँ। मैं पहले से ही बता चुकी हूँ मेरे कल्चर में बारे में, कभी कभी ऐसे बताते रहूँगी। पूरा साउथ इंडियन के बारे में तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत है। जो जहाँ जहाँ मैं रही और मेरे फ्रेंड्स थे तो उनके बारे में भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा कल्चर के बारे में मैं बता रही हूँ। तो मेरे कल्चर में जो मैं ज़्यादातर साउथ इंडियन में बोल सकती हूँ, मैं ससुराल में कैसे रहते हैं लड़कियाँ का, ससुराल में रहने का एक तरीका होता है ना, सभी सभी का अलग 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 तरीका होता है कैसे रहें। मैं के जैसे ही लड़कियाँ शादी करके ससुराल में नहीं रहते हैं, कुछ तो फ़र्क होता है ना। मैके में बहुत फ्री रहते हैं हम बेटियाँ, तो ससुराल में जाने के बाद थोड़ा सा तो चेंजेस है ना। तो कैसे रहते हैं ये बात करने चाहती हूँ मैं जो जानकारी मुझे है नॉर्थ इंडियन कल्चर में, तो जो पूरा नॉर्थ इंडियन में ज़्यादातर स्टेटों में जो कल्चर है उससे बहुत अलग है साउथ इंडियन कल्चर। जो फ़र्क है क्या है कि हम ससुराल में ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रहते हैं साउथ इंडियन में। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, अलग अलग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीका है। सभी अपना अपना कल्चर अच्छा है, अपना अपना जगह अच्छा है। ये हमारा कल्चर ऐसा है, मतलब पर्दा सिस्टम पूरा साउथ इंडिया में ही नहीं है। आपको पता है घूंघट नहीं है, आपको तो पता ही है पर्दा करना नहीं है, ऐसे घूंघट हम लेते नहीं है। तो ससुराल में भी हम घूंघट नहीं लेते, हमें नहीं है, पूरा साउथ इंडिया में ही नहीं है वो। और ससुराल में ना जो सास ससुर हो या जेठ हो, जेठानी हो, ननद हो, नंदोई हो, कोई भी हो, उनके सामने हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं जो देखी हूँ नॉर्थ इंडियन कल्चर में वो नहीं है, है ना। उनका कल्चर, मतलब आप लोगों का कल्चर कुछ अलग है, अलग अलग कुछ जगहों में होगा मुझे नहीं पता, शायद नॉर्थ ईस्ट में होगा या नॉर्थ इंडिया में भी किसी जगह में होगा साउथ इंडिया जैसे, पता नहीं मुझे। मैं जो देखी हूँ जब अभी वीडियोस में, व्लॉग्स में सब देख रही हूँ और मेरे फ्रेंड्स के मुँह से सुनी हूँ, इसके हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ ना जैसे मायके में रहते हैं वैसे ससुराल में रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा इतना फ्री नहीं हो पाता है, मतलब अपने दूसरे जगह पे हम आते हैं, दूसरे घर में आते हैं, दूसरे लोगों के बीच में आते हैं, तो थोड़ा सा मन में ये रहता है ना। तो इतना भी फ्री नहीं है, फिर भी फ्री ही बोल सकते हैं। थोड़ा साल के बाद बहुत फ्री हो जाते हैं हम लोग, एक बार आदत हो गया तो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। और सास ससुर से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होता है, हमें सामने से ही बात करते हैं, आंखों में आंख डाल के ही बात कर सकते हैं। ससुर से भी हो, जेठ जी भी से हो, किसी से भी हो, देवर हो, ननद हो, नंदोई जी भी, घर का दामाद भी आए तो उनको सामने से इसे बातें करके, मतलब नज़र मिला के बातें करके उपचार, मतलब जो अतिथि सत्कार करते हैं वो करते हैं। और कोई भी बड़े लोग आए या अगल बगल के, मतलब आस पड़ोस लोग आए, आदमियाँ आए, तो भी वैसे हम लोगों का क्या है ना, घर का औरतें बाहर, घर में जो भी मेहमान आए बाहर आके एक बार बात करना पड़ता है, बात करना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती माना जाएगा। घर की औरतें बातें नहीं की हैं ऐसे करके बेइज्जती मानेंगे, बेइज्जती कर दिया मैं करके, घर के औरतें भी बात करना है। जो भी आस पड़ोस के आदमी आ गए हैं घर में है, तो बड़े बुजुर्ग भी हो आए हैं, तो हम लोग बाहर आके एक बार उनसे बात करना होगा और जो भी चाय पानी देना है हम देंगे। मतलब औरतें आके सामने ही से ही ऐसे रख के, उनके सामने रख के पीने के लिए बोलेंगे, ऐसे बात करेंगे, मतलब ऐसे पूछेंगे कैसे घर में कैसे हैं, ये सब पूछ सकते हैं। मतलब हमें कोई ये नहीं है कि आदमियों का सामने नहीं जाना है या घूंघट लेना है या ससुर के साथ बात नहीं करना है, जेठ जी के साथ नहीं है। मतलब मायके में भैया से कैसे बात करते हैं वैसे जेठ जी से बात करते हैं, मायके में पापा से कैसे बात करते हैं वैसे ससुर जी से बात करते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं होता है। अभी जो चाय पानी देते हैं, चाय देते हैं तो हाथ में ही देते हैं, अभी ग्लास, चाय का ग्लास पकड़ के जेठ जी को ऐसे हाथ में ही देंगे, ससुर जी को भी ऐसे ही देंगे। मतलब हमें ऐसे नहीं है कि सामने नहीं जा सकते, हाथ में ऐसे नहीं दे सकते। बहुत जगह देखी हूँ मैं जेठ जी के सामने नहीं जा सकते हैं, ऐसे रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है।
साउथ इंडिया में ज़्यादातर, साउथ मेरे नॉलेज में साउथ इंडिया कोई स्टेट में नहीं है, केरला हो या तमिलनाडु हो या आंध्रा हो कर्नाटका हो, कोई भी जगह ये नहीं है मेरे नॉलेज से, पता नहीं मुझे कोई कोई जगह हो या नहीं, मेरे नॉलेज से नहीं है, सभी जगह ऐसा है। और हमारे यहाँ तो बहुत फ्री है, हमारा कहवे का कल्चर में आराम से बात करते हैं हम लोग, मतलब भैया से, जैसे मायके में भैया से अपने भैया के साथ कैसे रहते हैं वैसे ही हम रहते हैं। लेकिन हमारे इतना घर में भी मायके में भी आदमी लोगों को इतना भी पास नहीं जाते, मतलब बात करने में बहुत फ्री है, सामने नज़र मिला के बात कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं करेंगे हम मायके में भी, भैया पापा से भी टच करके बात नहीं करेंगे, हाथ तो सब हमारे में गले मिलना तरीका थोड़ा कम है, गले मिलने का ये रिवाज नहीं है। तो आप लोगों में खुशी में या दुख में सभी गले मिलना एक रिवाज है ना, भैया से भी हो या पापा से हो गले मिलना, हमारा वो रिवाज नहीं है, गले मिलने का रिवाज नहीं है, इसीलिए हम टच भी नहीं करेंगे, मतलब दूर से ही बहुत क्लोजली बात करने में, बहुत क्लोजली बात करेंगे, वैसे ससुराल में भी ऐसे ही रहेगा। और पैर छूना भी वैसे, हमें बार बार पैर छूने का वो रिवाज नहीं है। आप लोगों में खुशी में या कुछ अच्छा खबर मिल गया या कहीं बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो पैर छूते हैं नॉर्थ इंडिया में, मैं जो देखी हूँ मेरे हिसाब से, आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ आशीर्वाद लेना मतलब लेते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन जो फंक्शन होगा ये सब होने से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वो पैर बार बार पैर छूने का रिवाज नहीं है हमारा, मतलब हर बार बाहर जाते वक्त पैर छू के जाएंगे, आते वक्त पैर छू के आते ही पैर छूएंगे, ये सब नहीं है, प्रणाम करना ऐसे नहीं है हमारा, वो रिवाज ही नहीं है, पहले से ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते बड़ों का या वो लोग हमें आशीर्वाद नहीं देते, ऐसे नहीं है, वो रिवाज ही ऐसा है हमारा। वैसे मतलब कुछ ससुराल करके अलग ही नहीं है, मतलब रसोई में ही रहना है औरतें ऐसे नहीं, अभी टीवी भी देखते हैं बाहर है तो आदमियों के साथ बैठ के देख सकते हैं, एक ही सोफा में बैठ के देखेंगे हम, उस तरफ अगर जेठ जी जेठानी जी बैठेंगे तो उसके बाद जेठानी के पास, जेठ जी के पास नहीं बैठेंगे, जेठानी के पास बैठेंगे या सास के पास बैठेंगे, समान रीत से सास से नीचे बैठेंगे, ऐसे नहीं है कुछ, ऐसे कुछ नहीं है, एक ही चेयर पे बैठेंगे, एक मतलब सोफा पे एक ही लेवल पे बैठेंगे, ससुर जी भी वो एक साइड में बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे, हमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मायके में हम पापा मम्मी के साथ कैसे रहते हैं वैसे ससुराल में भी पहले से ही ऐसे ही रिवाज है, ऐसे ही रिवाज है तो वही चलता आएगा ना, हमारे नानी दादी के ज़माने से ही वैसा ही है, तो इज्जत तो है लेकिन रिवाज ऐसा है। मैं दोनों देखी हूँ तो मुझे अभी आदत हो गया, नहीं तो पहले शुरू में देखी तो मुझे भी, मैं गांव से गई थी तो नॉर्थ इंडियन कल्चर में ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा लगता था। जब मैं नेवी में थी मेरे हस्बैंड के साथ डिफेंस में थे ना, मैं बोल रही थी ना इंडियन नेवी में थे, तो उनके साथ मैं अरकोणम में थी, मेड्रास के पास चेन्नई के पास अरकोणम करके इंडियन नेवी में था, तो वहाँ मेरे जेठ जी आ गए थे, एक बार जेठ जी आ गए थे तो सभी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम घूंघट क्यों नहीं ले रहे हो, आप घूंघट क्यों नहीं ले रहे हो, उसे जेठ जी है, जेठ जी के सामने कैसे बातें कर रहे हो। मुझे बहुत उस टाइम में, मेरा शादी के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बेटा हुआ था लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगता था क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्यों ऐसे ज़रूरी है ये लगता था मुझे, मतलब घूंघट लेना ही क्यों ज़रूरी है, मतलब उन लोगों को तो बहुत ज़रूरी था, उधर अगल बगल में जो भी रहते थे उन लोगों को तो जेठ जी के सामने नहीं आते थे, मुझे मेरे घर में वो था ही नहीं तो जेठ जी के सामने ही बातें करती थी। और एक बार ससुर जी आ गए, मेरे ससुर जी भी उस टाइम में मेरे घर के सामने, हमारे घर जैसा था, फ्लैट जैसा था, वो क्वार्टर्स थे, क्वार्टर्स में थे हम लोग, नेवी एकोमोडेशन उनका ही था, तो हमारे घर के सामने ही एक घर था, वो उड़ीसा की थी, उड़ीसा के लोग थे हस्बैंड वाइफ, तो वो लड़की बहुत यंग थी, मैं भी ज़्यादा उम्र नहीं थी फिर भी मेरे से भी यंग थी वो मेरे घर के सामने, मेरे जितनी दिन मेरे ससुर जी मेरे घर में थे, दो तीन दिन थे, उतने दिन वो घर से बाहर नहीं आई। मुझे बहुत अजीब लगा, हमेशा बात करती थी, हमेशा बाहर आती थी, मुझसे दिन में एक बार दो बार तो बात करती ही थी वो औरत, औरत मतलब लड़की बोल सकते हैं, यंग एज थी, मतलब बच्ची थी, छोटा बच्ची थी,
फिर भी वो मुझसे अच्छे से बात करती, अच्छे फ्रेंड थी मेरा, लेकिन बाहर नहीं आई थी। फिर मेरे ससुर जी जाने के बाद बाहर आने लगी, तो पूछी मैं क्यों आई 2-3 दिन आपके घर में, आपके ससुर आए थे, ससुर जी आए थे ना, इसीलिए मैं नहीं आई। अरे मेरे घर में मेरे ससुर जी आ गए, आप क्यों नहीं आ रहे हो? फिर भी वो नहीं आई कि नहीं बड़े बुजुर्गों के सामने इसे नहीं आ सकती, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आती, आती हूँ मतलब इसलिए नहीं आई मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगे, मेरे घर में मेरे ससुर जी आ गए, मैं नहीं जाती हूँ तो एक मतलब है, तो आपके घर का क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आ रहे? फिर भी वो नहीं मानी, नहीं है हमें ऐसे ही होता है, उड़ीसा की थी वो, ऐसे ही होता है, हम सामने नहीं आ सकते, इसीलिए नहीं आई मैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बेचारी 4 दिन घर के अंदर ही बैठी। मेरा मेरा तो ऐसे कुछ नहीं था, मैं आगे आती जाती थी, बाहर जाती थी, ये सब था, ये एक रिवाज उस टाइम में मुझे लगा, पता चला ऐसा है करके। फिर हमारे फ्रेंड्स के यहाँ भी उनके देवर देवरानी आ गए थे उधर न्यू में ही, वो यूपी के थे, तो देवरानी ये ग्राउंड फ्लोर में, हम 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग था, 4th फ्लोर में थे वो, शायद 3rd फ्लोर में थे, तो नीचे देवर देवरानी रास्ते ग्राउंड फ्लोर में खड़े थे, मैं अपने बालकनी से देख रही थी, मैं 4th फ्लोर में, तो वो देवरानी ऐसे घूंघट ऐसे पकड़ के खड़ी है, मुझे समझ में नहीं आया, वहाँ को पति से, अपने पति से बात कर रही है, कोई बड़े लोग नहीं है, फिर क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, समझ में नहीं आया। फिर बाद में देख रही हूँ 3rd फ्लोर में बालकनी में वो जेट खड़ा था, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ये ऐसे कर रही है, मुझे तब समझ में आ गया वो जेट जी देख रहा है इसीलिए ऐसे कर रही है वो। ये सब मुझे बहुत नया नया, बहुत आश्चर्य लग रहा था नए नए में, मुझे पता ही नहीं था, मैं गाँव में थी, मैं तो जो देखी हूँ बचपन से जो देखी हूँ ऐसा था ही नहीं। तो कल्चर दोनों अच्छा ही है, आपका भी अच्छा हमारा भी अच्छा, जब तक दूसरों को मुश्किल नहीं होता, सामने वालों को मुश्किल नहीं होता, तब तक वो कल्चर गलत नहीं है। तो साउथ इंडिया का कल्चर ऐसा था, ये बात आपको पता था या नहीं, ये इस बात का आप कमेंट में बता दीजिए, आपको आश्चर्य लगा कि नहीं लगा, ये बात कमेंट में बता दीजिए। तो अगले वीडियो में कुछ और बात बताऊंगी मैं हमारे कल्चर का, तब तक धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।